तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बात करेंगे आपके साथ कि वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज जानी है कि प्रिपरेशन ऑफ द यूजिंग वीवीए में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो है एक्सेल फाइल जो आप खोलते हैं, तो एक बार डेवलपर टैब देख लीजिए है या नहीं है। तो डेवलपर टैब अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कहां से लाएंगे? फाइल मेनू बार के ऑप्शन के अंदर कस्टमाइज रिबन में। अब डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सेल लेटेस्ट हो। अगर आप 2007 वगैरह यूज करते हैं तो जनरल में बाहर ही आपको मिल जाएगा। अब डेवलपर टैब क्यों जरूरत है? क्योंकि आप यहां से नेविगेट करेंगे। क्या करेंगे? नेविगेट करेंगे। जैसे वीवीए प्रोग्रामिंग वगैरह है उसको आप नेविगेट यहां से करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है माइक्रो सिक्योरिटी। हमने लास्ट क्लास में समझाया था कि आपका जो सिस्टम है बाय डिफॉल्ट माइक्रो को डिसेबल रखता है विथ नोटिफिकेशन, आपको एनेबल करना। ठीक है सर। ओके, तो ऐसा क्यों हम बात करते हैं? तो यहां हम बात कर रहे हैं कि हमारा डिसेबल मैक्रो में हमें एनेबल करना पड़ेगा। एनेबल क्यों करना पड़ेगा? क्या होगा कि आपने मैक्रो बनाया, बनाते समय आपका मैक्रो वर्क कर जाए, ठीक है, लेकिन जब दोबारा उस मैक्रो फाइल को खोलोगे तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। वो क्या करेगा? आपसे पूछेगा एनेबल मैक्रो और सिक्योरिटी वार्निंग देगा। साथ में जो आपके इवेंट माइक्रो होंगे जो बाय डिफॉल्ट ओपन होते ही रन होने वाले सिस्टम पे होंगे वो आपका वर्क नहीं करेगा। सो आपको वन टाइम, ये दिस इज द वन टाइम, ऐसा है कि आपको डेली करना, हमेशा करना है, वन टाइम एनेबल करोगे। अब क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इतना इंपॉर्टेंट है तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसेबल क्यों किया है? इसका रीजन ये है कि आपके पास माइक्रो के साथ साथ वायरस भी आने की चांसेस है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने डिसेबल किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेंजरस कोड कैन रन, दिख रहा है आपको? तो अब कैसे, अब आपने अनेबल कर दिया तो आप कैसे जानेंगे कि ये फाइल जो है वो माइक्रो वाली है या नहीं है, माइक्रो है या नहीं? क्योंकि आपने जब इसको अनेबल कर दिया तो ध्यान रखिएगा, जब कोई फाइल बाहर से आएगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फाइल माइक्रो इसमें क्या मैक्रो वाली है या नहीं है। तो अननोन पर्सन जो आपको भेज रहा है उसकी माइक्रो फाइल को ओपन नहीं कीजिएगा। तो कैसे पता चलेगा कि माइक्रो फाइल है या नहीं? अब देखिए, ये जो डेटा जो आपको दिख रहा है ये सब नॉर्मल एक्सेल है। क्या है? नॉर्मल। इसमें माइक्रो नहीं होगा 100%, क्योंकि जो फाइल है .xlsx की फाइल है। हम डाउनलोड पे आते हैं और यहाँ हम लेते हैं। अब देखिए, जिसमें इस तरह का एक्सप्रेशन मार्क लगा है ना, इसमें माइक्रो हो सकता है, बट दिस इज नॉट 100%, क्योंकि ये जो है वो है XML फाइल, आपको जो है xlsm फाइल है, माइक्रो एनेबल वर्कबुक है। Okay. और माइक्रो अनेबल वर्कबुक है, इसका मतलब ये नहीं है इसमें माइक्रो ही होगा। जैसे मैंने फाइल में माइक्रो नहीं रखा हुआ, लेकिन मैंने सेव किया होगा। तो माइक्रो अनेबल फाइल डेटा को भी सेव करता है एंड माइक्रो को भी सेव करता है। तो अगर इस आइकन का फाइल आपके पास रिसीव हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें माइक्रो होगा। समझ गए? लेकिन एक आइकन है जिसको बोलते हैं एड इंस डॉट एक्सएलएस ए। जैसे मैंने उस फाइल को हमने सेव किया और यहाँ एक्सेल वर्कबुक में हमने यहाँ पे एक्सेल एड इंस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक
सर टेम्पलेट सर एडिंस आता है एक्सेल एडिंस आ गया इसमें माइक्रो लेवल सिंगल वेब पेज टेम्पलेट सिंगल फाइल नीचे एक्सेल एडिंस वो सर थोड़ा लग रहा है सुबह सुबह आँख की दिक्कत हो रही है यहाँ पे डाउनलोड में सेव कर ठीक है तो एक्सेल एडिंस जब हमने सेव किया तो क्या हुआ जस्ट इसका माइक्रो सेव हुआ इसके अंदर कोई डेटा इस तरह की आइकन की फाइल आई इसके एक्सटेंशन .xlsa है इसका मतलब 100% जो आपका है इसके अंदर एडिंस होगा अब कोई अननोन पर्सन आपको इस तरह की फाइलें भेज रही है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप फाइल को डायरेक्टली ना खोलें ठीक है सर अननोन पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि हर फाइल हर लोग जो आपको फाइल भेजेगा सत्य नहीं करे ठीक है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें अगला क्वेश्चन जो हम अगला जो टॉपिक हम बात करते हैं कि हमने माइक्रो सिक्योरिटी को एनेबल कर लिया हमने डेवलपर टैग भी ला दिया और दूसरा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फाइल को सेव करना फाइल को सेव करना किस में माइक्रो एनेबल वर्कबुक में ऐसा होता है कि कई बार लोग हड़बड़ा के अब 2-3 घंटे लगाते हैं और 2-3 घंटे माइक्रो बनाते हैं माइक्रो बनाने के बाद क्या होता है आप जो है नॉर्मल एक्सेल सेव कर देते हैं इसको नॉर्मल एक्सेल आप जो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो बाय डिफॉल्ट सेव का जो सिस्टम होता है वो एक्सेल वर्कबुक होता है क्या होता है एक्सेल वर्कबुक और गलती से क्या करते हैं सेव कर देते हैं एक्सेल वर्कबुक में और होता है क्या है सारे माइक्रो लॉस्ट हो जाते हैं तो याद रखिएगा आप एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव कीजिएगा तो आप मेरी तरह बार बार भूल जाते हो और मोस्टली माइक्रो पे ही काम करते हो तो आप एक्सेल एक्सेल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे सेव में जाके आप डिफॉल्ट एक्सेल माइक्रो वर्कबुक ही सेट कर दो इसे क्या होगा कि आपको बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी और जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक आपका एक्सेल फाइल को भी हैंडल करता है और आपके नॉर्मल फाइल को भी हैंडल करता है ठीक है क्लियर है जी सर चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि माइक्रो करेंगे कि माइक्रो लिखेंगे कहाँ पे तो उसके लिए आपको जाना होगा डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक जिसका शॉर्टकट होता है ऑफ F11 ये आपका जो खुलता है इसको बोलते हैं VBE विजुअल बेसिक एडिटर और साथ में ये बता देता हूं कि इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है ये आपके सिस्टम में इनबिल्ट होता है समझ गए आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है कि आपके सिस्टम में इनबिल्ट होता है ठीक है सर अब माइक्रो देखिए जितने भी यहाँ पे जो है 2-3 चीज समझिए ये जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ये जो दिख रहा है आपको दिख रहा है प्रॉपर्टी ठीक है और ये जो एरिया दिख रहा है कुछ नहीं है जब इस पर आप क्लिक करोगे किसी एक पे आपको बोलता है कोड विंडो और जितने भी फाइल आप ओपन करेंगे यहाँ पे जितने भी फाइल आपकी ओपन होगी सारे फाइल का लिस्ट होगा आपको किस फाइल के अंदर माइक्रो लिखना है उस फाइल को स्कैन करना होगा और फिर उसको लिखना होगा बट माइक्रो लिखे तो लिखे कहा अब जितने भी शीट नेम का लिस्ट लिखेगा शीट नेम पे भी डबल क्लिक करके लिख सकते हैं
दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक करके लिख सकते हैं या फिर आप मॉड्यूल्स बना के भी लिख सकते हैं। और मॉड्यूल्स क्यों बनाएंगे, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप ऑफ माइक्रो। ठीक है, ओके। तो हम जानेंगे अभी कि कितने किस तरह के टाइप ऑफ माइक्रो क्या होता है। देखिए, जब आप माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं या कोड करते हैं तो माइक्रो स्टोर कहाँ होता है। जैसे माइक्रो हमने कोड किया तो जैसे मैं रिकॉर्ड करते समय, जैसे यहाँ रिकॉर्ड जब माइक्रो करते हैं तो यहाँ देता है ना स्टोर इन दिस वर्कबुक। तो माइक्रो जो होते हैं बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक माइक्रो, जो भी हमने रिकॉर्ड किया और या फिर हम मॉड्यूल्स में जाके जो भी हम कोड कर रहे हैं दैट कॉल पब्लिक माइक्रो। उसके बाद यहां पे आता है पब्लिक माइक्रो, बाद आता है पर्सनल माइक्रो, और तीसरा जो आता है वो आता है हमारा इवेंट माइक्रो। अब पब्लिक माइक्रो जो आप बनाते हैं, जैसे मैंने अभी जो माइक्रो बनाया वो क्या था, माइक्रो वन, दिस इज द पब्लिक माइक्रो। तो पब्लिक क्यों है कि जो जो इस बुक टू फाइल को एक्सेस करेगा वो तो हर कोई मेरे पब्लिक माइक्रो को एक्सेस करेगा। समझे, जितने भी लोग जो है हमारे बुक या आपका जो पब्लिक माइक्रो कोई बुक टू को माइक्रो करेंगे, जहां जहां बुक फाइल ट्रेवल होगी हमारा माइक्रो भी ट्रेवल करेगा, क्योंकि जो सेव है इसी फाइल के बैकग्राउंड में सेव है। और हम इस माइक्रो को किसी और फाइल पे भी रन कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो माइक्रो है, ये माइक्रो वन जो बुक टू में है वो ओपन होगा तभी किसी दूसरे फाइल में शो करेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम है, जैसे कि आप चाहते हैं एक ऑप्शन बनाना कि एक्सेल की तरह एक ऑप्शन बन जाए, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मेंबर टेबल, इस तरह का एक ऑप्शन बनाना चाहते हैं, तो वो तो आप पब्लिक माइक्रो से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिसकी प्रोग्रामिंग आप करेंगे जिस फाइल में करेंगे वो तो सेव उसी फाइल में होगी। तो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, उस केस में हमारा सपोर्ट करता है पर्सनल माइक्रो। रिकॉर्ड करते समय जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो पर्सनल माइक्रो होता है, लेकिन हम पर्सनल माइक्रो को यूज करने की सलाह नहीं देंगे क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत करने लगता है। इसके जगह पे आप एड इंस का इस्तेमाल करेंगे, जो ये फाइल को सेव किया था ना, एड इंस भी पर्सनल माइक्रो के तरह ही बिहेव करता है। इसके डिटेल्स हम आगे क्लास समझाएंगे, लेकिन समझ में आया ना आपको कि पर्सनल माइक्रो पर्सनल क्यों कहलाता है। पर्सनल इसलिए कहलाता है कि इसके अंदर की जो भी कोडिंग होती है वो कोड इसी फाइल के अंदर सेव नहीं होती है, वो सेव होती है आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर। मतलब कि अगर फाइल किसी को भेजेंगे तो इसके साथ इसका माइक्रो नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपका कंप्यूटर ही यूज कर पाएगा। ठीक है सर, अब बारी आती है इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो का मतलब ये हुआ कि मुझे माइक्रो रन करने की जरूरत ना हो, जैसे ही मेरा फाइल ओपन हो मेरा माइक्रो ऑटोमेटिक रन कर जाए, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूं मेरा माइक्रो ऑटोमेटिक रन हो जाए, मैं कहीं पे राइट क्लिक करूं मेरा माइक्रो ऑटोमेटिक रन हो जाए, मैं कहीं पे कुछ भी करूं, मैं कुछ ऐसे इवेंट सिलेक्ट कर लूं कि मुझे इस पर्टिकुलर इवेंट में हमारा माइक्रो रन होना है, तो ये आपका रन हो जाएगा इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग की वजह से। समझ गए जी सर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनाना है। अगर आपको बनाना है, मान लीजिए पहले किस फाइल में बनाना है, बुक थ्री के अंदर बनाना है। क्या बनाना है, तो पब्लिक माइक्रो। तो आप मॉड्यूल्स पर जाके सब माइक्रो का नाम डिफाइन करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पे माइक्रो बन जाएगा। okay. जो भी कोडिंग लिखेंगे वो चल जाए। समझ गया। लेकिन कभी भी आप वर्कबुक के अंदर या सीट के अंदर पब्लिक माइक्रो यूज ना कीजिएगा। हालांकि यूज करने कर सकते माइक्रो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने कई सारे फाइलों के साथ
क्या होगा, हम इवेंट मैक्रो यूज करेंगे क्योंकि हमें इवेंट मैक्रो के लिए बताना होगा कि कहां पे और क्या करने पर रन हो। जैसे सीट पे हमने बोला कि वर्क सीट पे सिलेक्शन चेंज, अभी और भी चीज है, सिलेक्शन चेंज डिफॉल्ट आ गया, क्या करना है, तो एक्टी सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। समझे? तो अब क्या हुआ कि जहां आप जाएंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे, सीट नहीं, सीट दूसरे फाइल पे, फाइल में देखना होगा किस फाइल पे, बुक टू पे, ऊपर सीट वन पे, कहीं भी कर सकते हैं, बुक थ्री के सीट वन पे, बुक थ्री, और बुक थ्री तो बंद हो चुका है सर, इसको हम कर देते हैं बुक टू के सीट वन पे। अब बुक टू के सीट वन पे कहीं भी कलर करो, कलर तो आपको माइक्रो कहाँ लिखना है, इट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा माइक्रो बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जी सर। अब आगे बढ़ने से पहले एक आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। ये आर्टिकल मेरा नहीं है लेकिन मैंने भी इसको पढ़ा था, तो आर्टिकल का नाम देख लीजिए, excel-vva.com, excel-vva.com पे आपको जाना है। और ये देखिए, आपको दिख रहा है, यहाँ पे चैप्टर, तीन सेक्शन के चैप्टर्स हैं। अब मैंने नहीं बोला कि पूरा पढ़ जाइए, पर जितना हो सके उतना आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है सर।